पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। सबसे खौफनाक खुलासा हुआ है हिंसा की फंडिंग को लेकर। आरोप लग रहे हैं कि हिंसा फैलाने के लिए पीएफआई की तरफ से 120 करोड़ की फंडिंग की गई। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। तमाम खातों को खंगाला जा रहा है जहां पर अवैध लेन देन का शक है। उत्तर प्रदेश में सीएए के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर शिकंजा। पूरे उत्तर प्रदेश में पीएफआई समर्थकों पर शिकंजा। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। यहां भी सीएए के नाम पर हिंसा हुई थी। पुलिस ने मुजफ्फरनगर में हिंसा के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों से पूछताछ जारी है। इन लोगों की गिरफ्तारी सबूत के आधार पर की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली में पीएफआई के 4 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर की गई है और इनसे भारी संख्या में टेम्पलेट्स बरामद किए हैं। पीएफआई का गठन 2006 में केरल में हुआ था, लेकिन इसने धीरे धीरे देश के कई अन्य राज्यों में अपना प्रभाव कायम कर लिया। पीएफआई का समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, बहराइच और गाजियाबाद में ये ज्यादा सक्रिय है। मेरठ जोन में पिछले कुछ दिनों में पीएफआई के 47 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और उसमें सबसे ज्यादा मेरठ से 21, शामली से 10, गाजियाबाद से 9, मुजफ्फरनगर से 6 तथा हापुड़ से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। तो हम लोग जो हमारे सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, जहां पहले से ही हम लोग पीएफआई पे काम कर रहे थे, वो यहां मेरठ, गाजियाबाद के रूरल इलाके हैं, शामली है, मुजफ्फरनगर है और लगातार इनकी गतिविधियों पे कार्रवाई चल रही है। लोगों को हिंसा के लिए भड़काना, भ्रम फैलाना, यही आरोप पीएफआई पर लग रहे हैं। भड़काने के लिए पीएफआई पर हिंसा की फंडिंग का भी आरोप लगा है। पीएफआई पर सीए के खिलाफ प्रदर्शन के लिए 120 करोड़ की कथित फंडिंग का आरोप। हिंसा के लिए फंडिंग के मामले में ईडी जांच भी कर रही है। पीएफआई और रहब फाउंडेशन इंडिया यानी आरएफआई के खिलाफ जांच चल रही है। 120 करोड़ के लेन देन के मामले में भी जांच चल रही है। आरोप है कि फंडिंग के लिए पीएफआई की तरफ से 27 बैंक अकाउंट्स खोले गए। हिंसा और प्रदर्शन के लिए फंडिंग का मामला बेहद गंभीर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी फंडिंग के मामले की जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है कि मेरठ में 12 लोगों के खातों में पीएफआई ने फंडिंग की। इन 12 खातों में से 4 खातों में 3 करोड़ की रकम के सबूत भी मिले हैं। इस संगठन के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी जानकारी ली जा रही है और इसमें केंद्रीय एजेंसीज का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो हम लोगों का पहला टारगेट तो यह है कि इनको आइडेंटिफाई कर लें और कार्रवाई इन पर करें। ये एक अभियान ऐसा है कि निरंतर चलता रहेगा और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहेगी। जैसा डीजीपी साहब ने कहा, किसी भी रूप में देश विरोधी जो गतिविधियां हैं वो प्रदेश में जहां भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हमारा अभियान जारी रहेगा। ये भी बताया जा रहा है कि पीएफआई के कार्यकर्ता शाहीन बाग और जामिया इलाके में सक्रिय हैं। फंडिंग के जरिए हालात को और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मकसद देश विरोधी अर्थतंत्र को बेनकाब करना है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियां इसी मिशन में जुटी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।